इंडिया 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इंडिया करने जा रहा है एक आइसलैंड के ऊपर। अब इस्लामाबाद से अगर आप लाहौर आते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, तो भेरा वो एक प्राइम लोकेशन है जहाँ पे लोग रुकते ही रुकते हैं। तो इसी तरह ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन होगी जहाँ पे शिप्स को रुक के जाना पड़ेगा और इंडिया इससे लाखों करोड़ों डॉलर कमाएगा। अगर इंडिया ये चाहता है जी कि मैं उसको निकोबार, तो इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया अपना मुफाद सोच रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन का, वहाँ के एनवायरनमेंट का। और इवन दो अब ये इसे लगेगा कि जी कि यूनाइटेड नेशन वो खुश नहीं होती तो इस वजह से कर रही है, लेकिन इन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इन्वायरमेंटल चेंज जी, हम तो इसको बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छा वाला बना देना, हमने तो पता नहीं इसे क्या बना देना, नो डाउट ये अच्छा होगा। सेम जिस तरह पाकिस्तान में एक सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो भी इकोनॉमिक फर्म के तौर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, इंडिया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है, एक आइसलैंड है जिसका नाम है निकोबार, ग्रेट आइसलैंड निकोबार, उसके ऊपर इंडिया 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इंडिया करने जा रहा है एक आइसलैंड के ऊपर। और ये आइसलैंड इतना इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो चुका है और क्यों इंडिया इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो रकम है वो खर्च करने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया इस जो है आइसलैंड, इससे आगे कौन से मोटिव्स हैं जो पूरे करने जा रहा है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, अब बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहीं चलते हैं जी, देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, भारत एक सिंगल टापू पर 75,000 करोड़ रुपीज खर्च देगा डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि प्रोजेक्ट्स वर्थ 75,000 करोड़ रुपीज ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड शोर ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी इन प्रोजेक्ट्स को मिल चुकी है। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है रिसेंटली कि फाइनली सरकार ने अप्रूव कर दिया है ये प्रोजेक्ट। और आपको बता होना चाहिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर आपके लिए मेन जो कंट्रोल है ये सेंटर का ही होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पर हम इतना सारा पैसा क्यों खर्च रहे हैं, क्या ग्रैंड प्लान्स हैं इंडिया के, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में ककाडू युद्ध अभ्यास बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इस पर भारतीय नौसेना ने भी ट्वीट करी थी, दुनिया भर की और जो कंट्रीज हैं वो भी ट्वीट कर रही है कि हम प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ककाडू, ये जापान की ट्वीट है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि ककाडू 2022 कौन सा देश होस्ट कर रहा है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ ग्रेट निकोबार आइलैंड, यहाँ पे प्लान ये है कि 16,610 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट ये आएगी 75,000 करोड़ रुपीज की, और इसमें हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक ह्यूमंगस टाउनशिप और बहुत सारे पावर प्लांट्स बनाएंगे। बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड की शक्ल ही कम्प्लीटली बदल जाएगी आने वाले कुछ सालों में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहाँ पर और इसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है ये आप लोग समझें। ना ये आपके सामने इंडिया का एक प्रॉपर मैप है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चीन। अब अंडमान और निकोबार में आपको बता होगा डिफरेंस है, नॉर्थ में आपको मिलेंगे अंडमान आइलैंड्स, साउथ में आपको मिलेंगे निकोबार आइलैंड्स, और दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आप निकोबार टापू को देखोगे ना तो उसमें से सबसे बड़ा टापू है ग्रेट निकोबार आइलैंड, और ये टापू एक्चुअली इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टापू है। एक बार एक बड़े मैप में आपको दिखाता हूँ, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार टापू में, इंदिरा पॉइंट इसको हम कहते हैं, एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो टापू, आप अगर एक सैटेलाइट व्यू लीजिए तो आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा अर्बनाइजेशन यहाँ पर हुई नहीं है। आपको पता है इस पूरे टापू की आबादी
8,000-8,500 के आसपास है। जी हाँ, पूरे आइलैंड में सिर्फ 8,500 के आसपास लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग ट्राइबल पॉपुलेशन के हैं, उसके अलावा एयरफोर्स नेवी के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। बिल्कुल सदर पॉइंट में ये इलाका इंडियन मिलिट्री के पास है। INS बास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एयर स्टेशन इंडिया का यहाँ पे आपको मिलेगा। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करके देखूँ तो काफी बार इसको कहा जाता है न्यू दिल्लीज बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है एक डिफेंसिव वॉल, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक ढाल। इवन शिप में भी आप अगर देखो तो बुलवर्क आप कह लीजिए एक फ्रंट डिफेंस होता है एक शिप का। तो बुलवर्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना के अगेंस्ट ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है। चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको इंडिया मिलिटरली भी अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत स्लोली हुई है। अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टापू को प्रॉपरली यूज करना है तो यहाँ पर इंडस्ट्री, आबादी, ये सब हमको बढ़ानी होगी। वी नीड टू मेक श्योर के ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाए। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे आर्टिकल्स के नीचे ये भी लिखते हैं कि इंडिया इज इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन। क्योंकि US अपनी कई रिपोर्ट्स में बार बार कह चुका है कि इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टापू को जल्दी से ये लोग डेवलप करें रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। मगर आप कह लीजिए इंडिया सुस्त कंट्री है कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू USA। मैं एक बार नोटिस कर रहा था USA का जो इंडो पैसिफिक कमांड है ये लोग लगातार अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले US इंडो पैसिफिक कमांड ने ऑफिशियली एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, वहां पर टाइटल देख के लिटरली स्माइल्ड। टाइटल इसका ये था द ग्रेट वॉल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। US मानता है कि जिस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक टाइम पे बनी थी ना मंगोलों के खिलाफ, तो जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड चेन है इसको अगर इंडिया प्रॉपरली बना दे तो यही आइलैंड चेन चाइना की नेवी को कभी प्रॉपरली इंडियन ओशन में डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करने देगी। नाउ अब आप पूछोगे अच्छा तो ये 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इससे आबादी इस टापू की कितनी बढ़ेगी? बेसिकली हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टर्मिनल बनाएंगे बड़ा, एक एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट वगैरह, इससे पॉपुलेशन में अंतर क्या आएगा? देखो नीति आयोग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इनका अनुमान कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में एक बार इस टापू की डेवलपमेंट हो गई तो अभी जो इस टापू की आबादी है 8,000-8,500 के आसपास, ये बढ़ के 6,50,000 हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये नीति आयोग की रिपोर्ट का एक पार्ट है, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन होगी 2,60,000 और डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी यहाँ पर 3,90,000। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ज्यादातर ये मान के चलते हैं वो लोग जिनकी एज या तो 0 से 14 है या फिर 65 से ऊपर की हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये PDF है नीति आयोग की उस रिपोर्ट की, जहाँ पर बताया गया है कि नीति आयोग के हिसाब से किस तरीके से ग्रेट निकोबार आइलैंड की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है। नीति आयोग इस रिपोर्ट में ये कहता है कि पहली बात तो ग्रेट निकोबार आइलैंड इज ए ज्यूल ऑफ एन आइलैंड। इसकी आप लोकेशन देखिए, आप देखोगे मलक्का स्ट्रेट से कितना करीब है, उसके अलावा जो स्वेज कैनाल से ट्रेड जाता है उसके ये कितना करीब है। नीति आयोग ने लिटरली एक मैप से यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो यहाँ पर लाइन है ना, इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्वेज फार ईस्ट ट्रेड रूट, क्योंकि आपको पता होगा ये यहाँ पे है स्वेज कैनाल, ठीक है, इजिप्ट में यहाँ पे स्वेज कैनाल हो गया। तो मेडिटेरेनियन से होकर जो भी शिपमेंट यहाँ से गुजर कर आगे उनको पहुंचना होता है ईस्ट एशिया में यहाँ पर, तो उनको ये जो ट्रेड रूट है ना इससे गुजरना होगा। और यहाँ पे आप देखो कितनी ज्यादा एक प्राइम लोकेशन है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। और नीति आयोग ने ये कहा है कि कंपेयर टू कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये बहुत ज्यादा क्लोजली प्लेस्ड है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के। अगर हम यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर टर्मिनल बना देते हैं तो इससे पहली बात तो हम ट्रेड भी यहाँ पर कर पाएंगे, जो बाकी इंटरनेशनल शिप्स है ये यहाँ पर डॉक भी करेगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और भारत के जो बाकी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये चेन्नई का पोर्ट है, यहाँ पे है भुवनेश्वर का,
कोलकाता का पोर्ट है यहाँ पर, वेरियस और जो पोर्ट्स हैं उनसे भी जो प्रॉक्सिमिटी है इस आइलैंड की ये काफी करीब है। इन पोर्ट से भी जो शिप है ये भी काफी बार इस टर्मिनल में कर सकती है डॉक। और यहाँ पर आप देख पाओगे भविष्य में आपको ये टापू कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे का पार्ट, यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल, मतलब के जो बंदरगाह बनेगा मेन वो नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पर इस इलाके में, फिर पावर प्लांट जो है ये यहाँ पर बनेगा है। फिर उसके अलावा एक मेगा टाउनशिप बनाई जाएगी, क्योंकि जब 6.5 लाख लोग आएंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए जगह भी चाहिए होगी, तो वो लोग इस इलाके में रहेंगे। बाकी जो ऊपर का इलाका है वहां पर पेड़ बने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि दूर से आप देखोगे अचानक से सब पेड़ गायब हो जाएंगे, एवरीथिंग विल चेंज। मगर डेफिनेटली इन द फ्यूचर ये टापू आपको बहुत ही डिफरेंट नजर आएगा। मगर कई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो इस पूरे प्रोजेक्ट में ना कई रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि टोटल 8 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। अगेन ये एस्टिमेट है कई एक्सपर्ट्स का, वो लोग कह रहे हैं कि इतने पेड़ काटने पड़ेंगे तभी जाकर ये जो सारी टाउनशिप है जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह है ये सब बन पाएगा। अब कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि इतनी तरक्की इतनी जल्दी करना इस टापू पे ये ठीक नहीं है, इससे एनवायरमेंटल डैमेज होगा, जो कोरल रीफ है आसपास के उनको डैमेज होगा, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इतने सारे चेंजेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार को इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एसेट बना देगा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इससे इस टापू को इररिपेरेबल डैमेज होगा, ऐसा डैमेज होगा जिसको वापस हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ही ये सब कंसर्न जता रहे हैं, इवन यूएन बॉडी ने रिसेंटली भारत को पूछा था कि जो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर बनाओगे क्या वहाँ पे इंश्योर करोगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रॉपर स्पेस दिया जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस है यहाँ फॉलो करोगे। तो देखिए भारत सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि इस टापू को हम कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की काफी आलोचना भी होगी। बट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट भारत की तरक्की के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया है मेगा नेवल एक्सरसाइज ककाडू 2022 को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्योंकि जब इन्होंने बताया था ना तो वो ट्वीट के ऊपर ना साथ में ऑस्ट्रेलिया का झंडा भी आ रहा है, तो मैंने उससे अंदाजा लगाया था कि वो ऑस्ट्रेलिया का झंडा गए हैं ऑस्ट्रेलिया में टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज ककाडू। यहाँ पर बहुत से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है इंक्लूडिंग यूएस जापान एंड वेरियस अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो न्यूज में है ये, याद रखिएगा नेवल एक्सरसाइज ककाडू होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। फाइनली यहाँ पर मैं ऐड करूँ, क्या कहती हैं खदीजा आप इंडिया के इस मूव को देख के? लेकिन एक चीज हमें ये लाजमी मद्देनजर रखना पड़ेगी कि वहाँ के अगर आप इतनी जल्दी इतनी चीज़ें डेवलप कर देंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल चेंज देखने को मिलेगा। और ये अगर इंडिया ये चाहता है जी कि मैं उसको निकोबार, तो इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया अपना मुफाद सोच है वहाँ की पॉपुलेशन का, वहाँ के इन्वायरमेंट का। और इवन दो अब ये इसे लगेगा कि जी कि यूनाइटेड नेशन वो खुश नहीं होती तो इस वजह से कर रही है, लेकिन इन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इन्वायरमेंटल चेंज नहीं आने देंगे, वो वहाँ पे जो ट्रैवल पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर स्पेस देंगे, वो वहाँ के लोगों को नहीं छेड़ेंगे। अगर छेड़ेंगे तो अचानक से इतने हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में जब दरख्त काटोगे तो बहुत बड़ा जो है वो डिजास्टर आ सकता है और वहाँ के लोग सफर करेंगे। सो इंडिया तो इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि नहीं जी हम तो इसको बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छा वाला बना देना, हमने तो पता नहीं इसे क्या बना देना। नो डाउट ये अच्छा होगा। सेम जिस तरह पाकिस्तान में एक सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो भी इकोनॉमिक फर्म के तौर पे ग्वादर के अंदर एक पोर्ट वगैरह का मामला चल रहा है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो इस वजह से है क्योंकि सीपैक सिर्फ पाकिस्तान और चाइना और इधर चंद, लेकिन ये जो एक बहुत प्राइम लोकेशन पे है जहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की शिप्स आती हैं स्विस कैनाल से और दूसरे सी की तरफ जाती हैं, तो उन्हें जो है ना वो जो है वो बहुत एक अच्छा इससे बेनिफिट मिलेगा। और ये वहाँ पे कुछ भी आप ना काटेंगे तो वो जिस तरह कहते हैं ना, अब इस्लामाबाद से अगर आप लाहौर आते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, तो भेरा वो एक प्राइम लोकेशन है जहाँ पे लोग रुकते ही रुकते हैं। तो इसी तरह ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन होगी जहाँ पे शिप्स को रुक के जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इंडिया इससे
लाखों करोड़ों डॉलर कमाएगा इन फ्यूचर, लेकिन वो भी इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। बात वही है ना कि अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो भी है मसला, लेकिन अगर बात यह है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है खदीजा, लेकिन अगर इसको ग्रेजुअली आहिस्ता 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 स्लोली स्लोली किया जाए, अगर आप एकदम अचानक से कर देंगे तो बहुत बड़ा जो है वो डिजास्टर भी हो सकता है। और इवन दो ये एक टापू है, ये एक आइसलैंड है और ये गिरा हुआ है समुंदर में, और ऐसी जगह पे अगर आप इतनी जल्दी जो है करना शुरू कर दे तो वो भी एक मुनासिब नई चीज आएगी। और दूसरा वहाँ पे जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो बहुत कमाल का है, फिर वहाँ के लोगों को जो भी ट्रैवल पॉपुलेशन थे, जब वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। फिर वहाँ पे जो इनकी कमर्शियल किस्म की जो शिप्स के लिए इन्होंने बनाया तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मुझे तो ओवरऑल ये एक अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ वाकई ये एक ग्रेट कंट्रोवर्सी के अंदर है ये आइसलैंड, और ये वाकई इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट तो हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया इसमें सब्र के साथ काम ले, अगर इंडिया ने सब्र का दामन छोड़ा तो इंडिया इस निकोबार आइसलैंड के ऊपर काम करने से महरूम भी हो सकता है। ओवर टू यू दीजा। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ देखो कि मुझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, और जहाँ तक रही इंडिया की बात, ऑब्वियसली इनके आगे बहुत चैलेंजेस हैं, और आई थिंक हर काम में चैलेंजेस होते हैं, और इंसान तो वो ना जो चैलेंजेस को एक एक करके ख़त्म करे और फिर उसकी तरफ जाए। और अगर ये उनकी देखो ना, उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया तो उन्होंने उसके पीछे ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स देखे होंगे, वर्किंग तो की होगी उन्होंने, लेकिन अब ये है कि उसका प्रॉपरली इंडिया जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि इंडिया के पास अभी, क्योंकि इंडिया के रिलेटेड ये था कि ये हमारा है, लेकिन अब ये जो इंटरनेशनल किस्म के अदारे हैं, क्योंकि आगे जो है ग्रीन इफेक्ट और ये वो इधर उधर ग्लोबल वार्मिंग और ये वो जो है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस वक्त वैसे ही बहुत, अगर ऐसे में इतना ज़्यादा किया जाएगा तो वो नो डाउट उसका इफेक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पे तो उतना नहीं आएगा, लेकिन वहाँ के जो लोग जो बहुत ज़्यादा करीब होंगे वो उससे सफ़र करेंगे। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को देखें तो दुआ में याद रखें। अल्लाह।